बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, आज हमारा अगला लेक्चर जो है वो है जी मेल एनिहिलेशन टेक्निक का। तो इसके मतलब हम पढ़ेंगे। तो ये जो है हमने जो है देखना है इस कोर्स को कि ये क्या चीज़ है। इसके अंदर जो है हमने पहले भी बात की है कि इसके अंदर जो है वो हमारा जो मेल एनिहिलेशन के इसका क्या टेक्निक है। इसके अंदर सिंपल जो है वो हम करते क्या है कि इसके अंदर जो है वो हम यूज़ करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। आप कह लें कि जो है मेल सेक्स फेरोमोन का, तो सेक्स फेरोमोन हम यूज़ करके तो मेल्स को हम स्पेशली जो है वो मेल को कंट्रोल करते हैं। तो मेल इंसेक्ट कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, उसके लिए सिंपल ये है कि आपको पता है हम पीछे भी पढ़ के आए उसके अंदर इंसेक्ट बिहेवियर के अंदर कि हम जो है सेक्स फेरोमोन जो है वो बनाने। आजकल कई सारी बेशुमार ऐसी टेक्निक हैं, एनालिटिकल माइक्रो एनालिटिकल टेक्निक ऐसी अवेलेबल हैं जिसके थ्रू किसी भी एक इंसेक्ट लेके भी उसका फेरोमोन बनाया जा सकता है। पहले दौर में हमने पढ़ा था उधर इंसेक्ट बिहेवियर के अंदर कि फर्स्ट टाइम जब सेक्स फेरोमोन बनाया गया था सिल्क वर्म का, तो उस वक्त 50,000 सेक्स जो सिल्क वर्म मॉथ जो है वो यूज किए गए थे। सिल्क वर्म मॉथ यूज करके तो वो बनाया गया था सेक्स फेरोमोन सिल्क वर्म का। मगर उसके बाद आज जो है वो एक सिंगल फेरोमोन से भी ले सकते हैं। आपको पता है फेरोमोन होता क्या है, सिंपल वो जो स्मेल, वो केमिकल जो एक फीमेल रिलीज करती है मेल को अट्रैक्ट करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं सेक्स फेरोमोन। तो आज जो है हम बात उसी के ऊपर कर रहे हैं। हमारी जो अगली टेक्निक जो है वो है जी मेल एनिहिलेशन टेक्निक। इसके अंदर क्या करते हैं कि वो जो सेक्स फेरोमोन है उसका इस्तेमाल करके हम जो है वो कंट्रोल करते हैं मेल को। तो इसको हम कहते हैं मैट टेक्निक, ठीक है, या इसका सिंपल जो वर्ड है मेल एनिहिलेशन टेक्निक। इसके अंदर सिंपल ये होगा कि हम जो है सेक्स फेरोमोन अगर तो जिस भी इंसेक्ट को कंट्रोल करने जा रहे हैं अगर उसका चेक करें कि मार्केट के अंदर सेक्स फेरोमोन अवेलेबल हैं तो हम फेरोमोन लेंगे। जैसे फ्रूट फ्लाई के, तो आप जाएं किसी भी गल्ला मंडी में जाएं, वहां से उन्हें जो पेस्टिसाइड कंपनी वाले हैं, ये जो दुकानों वाले हैं, उन्हें कहें जी मुझे सेक्स फेरोमोन चाहिए उसका फ्रूट फ्लाई का, तो आपको आसानी से मिल जाता है। इस तरीके से गर्मियों के अंदर जो है जब कपास का सीजन होता है तो आपको पिंक बॉल वर्म का भी मिल सकता है। तो वो पिंक बॉल वर्म का जो है वो यूज करके तो आप जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं सिंपल। तो ये जो है टेक्निक के अंदर जो है, इसके अंदर जो है हम सिंथेटिक वर्जन जो है वो यूज करते हैं इसका सेक्स फेरोमोन का। ये हम पीछे बिहेवियर के अंदर आप जो है वो पढ़ के आए हैं कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। और पहले जो था कि पॉसिबल नहीं था कि हर एक इंसेक्ट का बनाया जा सके, सिर्फ आपने वो मेल का याद हो हमने पढ़ा था उसका उसका सिल्क वर्म मौत का, कि उसको पहली दफा जब सिल्क वर्म उसका फेरोमोन बनाया गया था 50,000 मौत लगे थे। मगर आजकल के दौर में सिर्फ ऐसी एनालिटिकल टेक्निक भी है कि सिर्फ एक मौत लें जो स्पेशली जो विर्जन फीमेल लें, विर्जन फीमेल लेके उसे जो है एक किसी भी बंद एक वो उसकी ट्यूब्स होती हैं छोटे छोटे, उन ट्यूब्स के अंदर आप उसे चंद घंटों के लिए जो है वो ट्रैप करें। तो ट्रैप करने से क्या होता है कि वो फीमेल डेफिनेटली एक वर्जिन फीमेल जो है जैसे ही वो मर्ज होती है अपने प्यूपे से तो वो स्मेल रिलीज करती है। किसके लिए, कि मेल को अट्रैक्ट करने के लिए। मेल को क्यों अट्रैक्ट करना है जी, के फॉर सेक्स मेटिंग के लिए। तो जब मेटिंग के लिए वो अट्रैक्ट होगा तो आपको पता है वो मीटिंग करते हैं आपस में इकट्ठे होते हैं। ये सिर्फ जो है इंसेक्ट में ये बिहेवियर नहीं है, ये सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर है। जैसे आप देखें उसके अंदर इवन के डॉग्स के अंदर, ठीक है, कि वो आप देखें ना कि आप जब वो कुटिया जो है वैसे फिर रही होती है पान फिरती रहे, मगर जब कभी उसके वो पीरियड्स आए होते हैं टाइम आया होता है तो वो उन दिनों में पूरे मोहल्ले के कुत्ते इकट्ठे होते हैं, तो वो फेरामोन ही है, उस फेरामोन को स्मेल करते हुए तो आते हैं। अब क्या है कि इसकी एग्रीकल्चर के अंदर एप्लीकेशन क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर इसकी सिंपल जो है एप्लीकेशन ये है कि इसको हम यूज करके हम एग्रीकल्चरल जो पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, जो हॉर्टिकल्चरल पेस्ट हैं जैसे फ्रूट फ्लाई है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जो कॉटन के पेस्ट है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, या अर्बन एरिया के हमें जो
हमें जो मेडिकल पेस्ट हैं जैसे मॉस्किटो वगैरह, सैंड फ्लाईज, इनको हाउस फ्लाईज, इनको भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो है नीचे जो इसकी एप्लीकेशन है उसमें से सबसे पहली जो है वो एग्रीकल्चरल पेस्ट मैनेजमेंट है। एग्रीकल्चरल पेस्ट मैनेजमेंट आपको पता है कि बेशुमार ऐसे पेस्ट हैं जो फ्रूट्स में, वेजिटेबल में, ग्रेन में, ऑर्नामेंटल में हम इनको यूज करते हैं। उनमें से सबसे कॉमन जो है आपको पता है कि फ्रूट फ्लाई है, बहुत ही आसानी के साथ जो है वो हमें मिल जाता है ये जो फेरामोन इसको, ठीक है। और ये हम यूज कर सकते हैं आसानी से। आपने क्या करना है कि एक कुछ चंद सी बोतलें ले लें, बोतलें लेके 1 एकड़ में 8 ट्रैप लगा दें, तो 8 ट्रैप लगा के आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही इजी है, कोई मुश्किल काम नहीं है। के और दूसरा ये है कि ये महंगा भी नहीं है, वो 100 ग्राम की एक बॉटल मिलती है तकरीबन, इधर मैंने लास्ट सेमेस्टर में पता किया था, वो 1,000 की मिलती है। तो वो एक में 1 ग्राम लगाना होता है, यानी कि हल्का सा लगा के, यानी कि 8-10 ग्राम चले एक टाइम में लग जाएगा। तो वो एक शीशी आपको पूरे सीजन के लिए काफी, नहीं वैसे वैसे ही वैसे उसको सिंपल रुई के साथ हल्का सा थोड़ा सा लगाना है, वो कहते हैं जी 1 ग्राम लगाना है। तो वो 1 ग्राम लगा के आप जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मौत है, जैसे जो कॉडलिंग मौत है उसके लिए मिल रहे हैं। इसके अलावा ये जो पिंक बॉल वर्म है ये मौत है, इसके लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए आप देखें हमारे इधर बिहाड़ी के अंदर भी ये एडेप्टिव रिसर्च वाले यूज करते हैं, वो हर साल मंगवाते हैं और उसके वो जो है वो रिंग से बना के कागज से, कागज के ऊपर लगा के तो पत्तों के अंदर लटका देते हैं। तो वो जो है उस तरीके से भी जो होता है। और इसके अलावा कई सारे बीटल है, बीटल में आप कह लेंगे कौन सी बीटल, जैसे ये वुड बोरिंग बीटल है या रेड पाम बीबल है, हमारे इधर जनूबी पंजाब के अंदर काफी है, ठीक है। तो ये जो है इसके अलावा ये इंडोनेशिया मलेशिया में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे पाम के दरख्त काफी सारे हैं, तो ये कई सारे जो पाम बीबल है उसके लिए यूज कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक काम क्या है। अब इसके अलावा फॉरेस्ट्री में यूज करते हैं, फॉरेस्ट्री में कैसे है कि जो वुड बोरिंग इंसेक्ट हैं जैसे जो है ये कह लेंगे जो मुख्तलिफ ट्रीज को डैमेज करते हैं, तो वो आपने देखा है, पढ़ा भी है पहले भी, कि हम उनके सेक्स फेरोमोन भी यूज कर सकते हैं कि उनको ट्रैप्स के अंदर, वो सेक्स फेरोमोन कहाँ यूज करेंगे, ट्रैप्स में। अब वो ट्रैप में आएंगे, ट्रैप में हमने कोई ना कोई पेस्टिसाइड डाली होगी, तो वो पेस्टिसाइड के अंदर आके किल हो जाएंगे उधर ही। या इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा है फॉरेस्ट्री के अंदर हम जो है एग्रीगेशन फेरामोन भी यूज करते हैं, कई सारे बीटल ऐसी हैं कि वो सेक्स फेरामोन के बजाय एग्रीगेशन फेरामोन पैदा करते हैं। वो एग्रीगेशन फेरामोन ये होता है कि अपनी पॉपुलेशन को इकट्ठा करने के लिए, तो एग्रीगेशन फेरामोन में दोनों ही जेंडर इकट्ठे होते हैं, यानी कि मेल फीमेल दोनों ट्रैप हो सकते हैं। तीसरा जो है वेक्टर कंट्रोल के लिए, वेक्टर कंट्रोल आपको पता है ये जो हमारे मेडिकल पेस्ट हैं जैसे ये मॉस्किटो है, ये कई सारी भी जो बीमारियां वायरसेस फैलाता है। इसके अलावा सीसी फ्लाई जो है, सीसी फ्लाई को भी यूज कर सकते हैं जी। बच्चों ठीक है, मेरी क्या क्लास है, मैं क्लास के बाद कहता हूँ। अच्छा जो है वो इसके अलावा वेक्टर कंट्रोल में भी यूज हो सकते हैं। वेक्टर कंट्रोल में जैसे मैंने कहा सीसी फ्लाई है, सैंड फ्लाई है, ये सैंड फ्लाई जो है लेशमेनिया प्रोटोजोआ है उसको ये ट्रांसमिट करती है। सीसी फ्लाई आपने पढ़ किया है, ये भी एक प्रोटोजोआ है जिसकी वजह से स्लीपिंग सिकनेस होती है वो करती है। मॉस्किटो का तो आपको पता है ये प्रोटोजोआ भी करता है, जैसे मलेरिया होता है, जीका वायरस जैसे माइक्रो इंसेफली होती है, इसके अलावा जो है ये डेंगी फीवर ये वायरस की वजह से होते हैं। तो ये सारे हम पैथोजन को रोक सकते हैं अगर इसको कंट्रोल कर लें तो। इससे भी अब कई सारे मुल्कों में जैसे ब्राजील में और कई सारे मुल्कों में जिन्होंने ना फेरामोन बना लिया, या यूएसए में ना, तो वो इसको कंट्रोल कर रहे हैं इसके थ्रू, कि यानी कि वो ट्रैप्स लगा देते हैं या डिस्पेंसर लगाए हुए, उन डिस्पेंसर के अंदर ये फेरामोन डाला हुआ है, तो वो सारे मॉस्किटो मेल मॉस्किटो स्पेशली ट्रैप होके आते हैं। अब फीमेल को चांस ही नहीं मिलता, वो समझते हैं शायद फीमेल ही है इसके अंदर ना, तो वो आते हैं और उसके सिंथेटिक वर्जन बनाए, कि वो मार्केट में जाएं किसी भी स्टोर पर कहेंगे मुझे सेक्स फेरोमोन चाहिए उसका मॉस्किटो का, तो मॉस्किटो का मिल जाता है, वो ला के घर अप्लाई करते हैं। इस तरीके से जापान में ना वो नईम साहब बता रहे थे कि वो मॉस्किटो के लिए, उसके लिए काक्रोचेस के लिए, वहाँ ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जो समंदर है ना आर्थोपीडिया, तो वो ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो वहां पे ना इसका काकरोचित का बहुत है, तो वो काकरोचित कार्ड की शक्ल में ना छोटे छोटे कार्ड की शक्ल में मार्केट में मिलते हैं, वो कार्ड लेके आए घर में रख दें कहीं भी। अब क्या होगा घर के किसी कोने में भी वो है ना काकरोचित, तो वो अट्रैक्ट होके आते हैं, उसके ऊपर गम लगी हुई आते हैं, चपक चपक जाते हैं, तो वो जब भर जाए कार्ड तो उसको जाके
में फेंक दो, डस्टबिन में फेंक दो, वो तो सारे मर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े आसानी से उनका कंट्रोल हो जाता है। तीसरा, स्टोर्ड प्रोडक्ट के लिए, ये जो है बड़ी बड़ी मिलों के अंदर, फ्लोर मिल्स के अंदर, या जो फूड फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर भी कई सारे, आपको पता है जो पेस्ट होते हैं स्पेशली, जैसे खपरा बीटल है, बीवल्स हैं जो कि ग्रेन्स के ऊपर आती हैं, तो उन्होंने दाने, मक्की, वीट स्टोर करके रखी होती है। तो अगर वो जो है उनको भी इस तरीके से ही अट्रैक्शन के थ्रू ही कंट्रोल किया जाता है। अब इसके जो है कौन कौन से पेस्ट मोस्ट कॉमनली जो कंट्रोल हो रहे हैं, इसमें से फ्रूट फ्लाई है हमारे इधर बहुत ही कॉमन है। फ्रूट फ्लाई आपको पता है एक स्पीशी नहीं है, कई सारी हैं, और ये मुख्तलिफ क्रॉप्स में मसला करती है, जैसे आजकल वो खरबूजे हैं, तरबूज है, अभी जो है वो घिया तोरी, कद्दू, ठीक है, ये है। इसके अलावा गुआवा, गुआवा सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है हमारा समर के अंदर, उसको कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा मौत, कॉडलिंग मौत, जैसे एप्पल पियर के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा पिंक बॉल हमारे पंजाब के अंदर काटन में यूज होता है, ये मैंने बताया कि ये अडेप्टेबल रिसर्च वाले भी हर साल मंगवाते हैं। इसके अलावा जो है बीटल, बीटल जो है जैसे मैंने बनाया रेड पाम वीबल, ये हमारे जनूबी पंजाब में खजूर के दरख्तों में बहुत है, ठीक है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और इसके लिए मेरे अपने सुपरवाइजर ने वो बनाया था, वो उसने इधर आके अप्लाई भी किया और उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आए, ठीक है, यानी कि उसने बनाया एक एंटोमोलॉजिस्ट ने, ठीक है, एंटोमोलॉजिस्ट ने बनवाया किस वजह से, एक बायोकेमिस्ट की मदद से, ठीक है, उसने वो जो है बीटल लेके गया उधर, उधर रेयर की उन्होंने क्वारंटीन के अंदर, फिर बायोकेमिस्ट की मदद ली कि ये जी केमिकल को आइडेंटिफाई करे कि ये फीमेल कौन सा केमिकल जो है वो सेक्रेट कर रहा है, तो वो फिर उन्होंने केमिकल आइडेंटिफाई किया, बायोकेमिस्ट से नया केमिकल बनवाया, वो उन्होंने आके इधर अप्लाई किया, इंडोनेशिया मलेशिया में भी किया, फिर इधर पाकिस्तान में भी किया, उनको बड़े ही अमेजिंग उसके रिजल्ट मिले, ठीक है। तो इस तरीके से वो कैलिफोर्निया में भी यूज कर रहे हैं उसको, वो एक और बीटल है, उसका नाम और है इसी तरह की पाम भी बदली है, ठीक है, उसका रंग ब्लैक है इधर जो हमारे हैं, इधर उसका रेड कलर है, ठीक है। इसके अलावा मास्किटो को, ये मैंने बताया कि मास्किटो को यूएसए में, ब्राजील में, मैक्सिको में जो यूएसए के साथ लगता है वहां पे भी इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, इसका वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, यानी कि मैट कैसे काम करते हैं, मैट में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है इसको कई सारे इक्विपमेंट आजकल मिलते हैं जिसके अंदर जो है वो इवन के जो माइक्रो नैनोमीटर के अंदर भी कोई केमिकल सिक्रीट करता है ना इंसेक्ट, तो वो आजकल ऐसी मशीनें हैं माइक्रो एनालिटिकल टेक्निक्स के थ्रू उस केमिकल को डिटेक्ट किया जा सकते हैं कि ये जी केमिकल कौन सा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उस इंसेक्ट्स को, स्पेशली फीमेल, विर्जिन फीमेल को जो अभी ताज़ा ताज़ा ही निकली हो प्यूपे से, उसको हम क्या करते हैं कि उसके अंदर ट्रैप करते हैं। ट्रैप करने से क्या होता है कि वो कुछ घंटों बाद वो सीक्रेट करना शुरू कर देती है। क्यों करती है, क्योंकि आपको पता है जितने भी इंसेक्ट फौरी फीमेल मर्ज होती है उसका पहला काम होता है कि मेटिंग करना, ठीक है, और मीटिंग में आपको पता है फीमेल एग देती है। तो फीमेल ने क्या करना है, मेल को अट्रैक्ट करने के लिए वो फेरामोन सिक्रीट करने हैं, तो जैसे ही फेरामोन सिक्रीट होते हैं वो पहले ही ट्रैप है उस जगह पे, ठीक है, जहाँ पे वो माइक्रो एनालिटिकल टेक्निक्स का इस्तेमाल करके आपने उस केमिकल को आइडेंटिफाई करना है कि ये केमिकल कौन सा है। अब वो देखा जाता है कि वो केमिकल जो है मेरी क्लास चल रही है ऑनलाइन, ऑनलाइन चल रही है, अच्छा उसमें ना जस्ट 5-10 मिनट, 10 सेकंड ना, तो उसमें क्या है कि उसको देखा जाता है कि वो केमिकल है कौन सा, ठीक है, जब केमिकल आइडेंटिफाई हो गया अब देखा जाता है कि वो केमिकल जो है हमारे पास जो कैटलॉग है उसमें देखा जाता है कि वो केमिकल हमारे पास ऑलरेडी कहीं एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर तो एग्जिस्ट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको कहीं नया बनाने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑलरेडी मार्केट में कहीं ना कहीं अवेलेबल, किसी न किसी शक्ल में अवेलेबल है। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो फिर बायोकेमिस्ट की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी कि वो उस तरह का जिसके अंदर जो जो उसकी स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, उस तरह का केमिकल बनवाना। तो वो केमिकल बनवाना आजकल के दौर में केमिस्ट के लिए और बायोकेमिस्ट के लिए कोई ऐसा बड़ा काम नहीं है, वो केमिकल कई तरह के बनाते हैं, ठीक है, तो वो उनसे केमिकल आपने एक दफा बनवाना है। जब एक दफा केमिकल बन गया उसके बाद सब्सिक्वेंटली उस केमिकल को कभी भी और जितनी मर्जी प्रोडक्शन में बनाना कोई मुश्किल नहीं है, मगर उसका सिंथेटिक वर्जन होगा, यानी कि वो आप दोबारा इंसेक्ट से नहीं लेना, वो तो एक ही दफा इंसेक्ट से लेना था, आइडेंटिफाई करना था ये केमिकल के, नेक्स्ट टाइम हमने उसे आर्टिफिशियली बनाना है जिस भी सोर्स से, जो भी हमारे पास सोर्स हो सकता है वो सोर्स से बनाते हैं। बनाने के बाद आप क्या करते हैं, उसका पहले फील्ड ट्रायल करते हैं, पहले लैब बायोएज से करते हैं, लैब बायोएज से मतलब कि लैब के अंदर इंसेक्ट को रेयर करके हम टेस्ट करते हैं कि जी क्या बीटल वाकई
मेल अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते, यहाँ पे मेल को हम टारगेट कर रहे हैं ना, तो मेल अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते। अगर लैब में हो रहे हैं तो फिर डेफिनेटली उसको फिर फील्ड में अप्लाई किया जाता है बड़े स्केल पे, कि जी क्या वो डिस्टेंस से फीमेल को वो कैच करता है नहीं करता। तो मेल में अगर लैब के अंदर वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए, बायो ऐसे कामयाब हो जाए, तो मोस्टली चांसेस होते हैं कि लैब फील्ड के अंदर भी वो काम सर यहाँ पर करेगा। मेल को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कंसेप्ट होते हैं जिसमें मेल की जरूरत ही नहीं, वन फर्टिलाइज दे देते हैं जैसे एप्रिल में। एफर्ट में वो में उसमें क्या करते हैं कि ज्यादातर जो है उसके अब एफर्ट तो है ही उसके अंदर, तो अनॉर्मस तरीका है ना उसके अंदर, एक तरीका नहीं उसके अंदर तीन तरीके हैं। तीन कौन से हैं आपको पता है कि वो एगलिंग भी करता है, वो बच्चे भी देता है, और पार्थिनोजेनेसिस भी करता है, यानी कि ओविपेरिटी है, ओवोविविपेरिटी भी है और पार्थिनोजेनेस। पार्थिनोजेनेस से मतलब कि आपको पता है ये हमारे इधर पंजाब में दिसंबर में आता है, और दिसंबर में उस वक्त इतनी ठंड होती है, या फिर आगे जनवरी में ठंड होती है, उस वक्त इंसेक्ट जो है कि इतने ज्यादा एफर्ट होंगे ये पॉसिबल ही नहीं है। तो उसका फिर हाल क्या है कि वो जो है जो इंसेक्ट जो है वो उसका हाल ये है कि वो फिर पार्थिनोजेनेसिस है, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन मेल के साथ सेक्स किए बगैर ही फीमेल देना शुरू। हाँ ये है कि उनके विंग नहीं निकलते, जो फिर आगे मौसम में बहार में स्प्रिंग में एफर्ट देते हैं ना, जो बच्चे देते हैं या वो फर्टिलाइज एक्ट के थ्रू में उनके विंग्स निकलते हैं, मगर दिसंबर वाले कभी आप देखें उनके विंग्स वगैरह नहीं होते। ठीक है, तो उसको जो है फिर उसके लिए और तरह के फेरोमोन यूज करना पड़ेगा। उसमें भी डेफिनेटली अब वो मेल को अट्रैक्ट कर रही है तो वो भी उसका कोई ना कोई मैकेनिज्म है। ठीक है, और उसके लिए जो है हम बायो कंट्रोल भी है। अब ये है कि अभी एफर्ट के लिए इतना ज्यादा मेल एनिहिलेशन फील्ड में एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है कि एक तो जो है ऐसा आपको पता है कि एफर्ट होते भी इकट्ठे ही हैं, ये नहीं होता कि एक एक दरख्त पे बैठा है एक दूसरे पे बैठा है, या फ्लाइंग इंसेक्ट है कि फौरी आ जाएगा कि फीमेल सेक्स रिलीज करेगी तो मेल आ जाएगा। आपको पता है एक ब्रांच के ऊपर ही वो हजारों बैठे होते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा शायद वो फीमेल रिलीज ना करती हो। दूसरा, अभी ऐसे डॉक्यूमेंट में भी आपने कोई ऐसा पेपर नहीं पढ़ा जिसमें आप कहें जी कि मेल के लिए मेल एनिहिलेशन टेक्निक यूज कर। ये ऐसे हैं कि जो मोबाइल है तेज है, कोई कहें जैसे फ्रूट फ्लाई है ना, तो उसने स्मेल सूंघनी है तो फौरी दूसरे दरख्त पे भी मेल बैठा है ना, तो उसने फौरी जो है उधर भाग के आना कि नहीं फीमेल की तरफ से कॉल आ गई है। इसमें क्या होता है कि अब एक तो ट्रैप भी किया जाता है। अब ये इसका एक दफा पढ़ लें, अब ये कि आइडेंटिफिकेशन हो गई, केमिकल बन गया, केमिकल जब बन गया अब उसकी फार्मुलेशन की जाती है। फार्मुलेशन क्या मतलब कि हमने कोई देखना है कि किस इंसेक्टिसाइड से ये इंसेक्ट किल हो सकते हैं, फ्रूट फ्लाई है तो फ्रूट फ्लाई क्या कंटेक्ट इंसेक्टिसाइड से किल होगी या सिस्टमिक से होगी, किससे होगी। तो अगर तो कंटेक्ट से होती है तो आप क्या करें, उसी जहाँ पे आपने फेरामोन डाला कुछ ड्रॉप्स या थोड़ा सा पानी में मिला के आप इंसेक्टिसाइड भी डाल देंगे। क्यों, कि वो इंसेक्ट आएंगे उस रुई के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे, जब घूमेंगे नीचे गिरेंगे भी, इंसेक्टिसाइड को टच भी करेंगे तो डेफिनेटली किल हो जाएंगे। दूसरा काम ये होता है। तीसरा होता है वहां पे उसकी डिप्लॉयमेंट, क्या हमने उसको डिप्लॉय करना है, यानी कि अब वो फार्मुलेशन बना के इंसेक्टिसाइड प्लस फेरामोन उसको हमने लगा के फील्ड में मुख्तलिफ पॉइंट पे, जैसे फ्रूट फ्लाई के लिए 8 ट्रैप पर एकड़ लगाते हैं। ठीक है, तो वो आप ट्रैप लगा सकते हैं। अब उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने अट्रैक्ट करना है, अट्रैक्ट करेंगे इंसेक्ट आएंगे, आने के बाद जो है वो उसके बाद वहां पे वो डेफिनेटली किल जो है वो हो जाएंगे। और इसके बाद लास्ट में ये है कि कंटेक्ट विद कंट्रोल एजेंट्स। कंट्रोल एजेंट मीन के जो आपने इंसेक्टिसाइड जो है वो साथ में ऐड की है उसी ट्रैप के अंदर या डिस्पेंसर के अंदर जहां से वो रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, वो केमिकल रिलीज हो रहे हैं जो सिंथेटिक वर्जन है। अब इसके थ्रू क्या होगा कि ये इसका टोटल मैक, और लास्ट में इससे क्या होगा कि डिस्ट्रप्शन ऑफ मेटिंग होगी। डिस्ट्रप्शन ऑफ मेटिंग क्या है कि वो जो है इंसेक्ट जो है वो मेटिंग नहीं कर सकेंगे, वो सारे मेल तो जो बाग में थे वो अट्रैक्ट हो गए उस डिस्पेंसर में या ट्रैप में आ गए, तो अब फीमेल अकेली फिरती रहे। ठीक है, तो आप देखते हैं, आपने देखे होंगे अमरूद के बाग में एक एक बोतल के अंदर कोई 2-2 हजार मक्खियां इकट्ठी हुई, और सारे मेल होते हैं। अब मेल सारे ट्रैप हो गए तो फीमेल ना फर्टिलाइजेशन कर सकेगी ना अंडे देगी, मगर ये एफर्ट में नहीं है कि अब आपके एफर्ट में तो वो बगैर नहीं भी है तहाँ भी हो वो उसके बगैर पार्थिनोजेनेसिस करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी नंबर जो है वो नॉर्मस होती है। अब यह है कि इसके बेनिफिट्स क्या है, बेनिफिट ये है, सबसे बेनिफिट ये है कि इसके थ्रू हमें
टारगेट कंट्रोल मिलते हैं। टारगेट कंट्रोल मतलब ये है कि इससे कोई हमने नॉन टारगेट इंसेक्ट को नहीं मारेगा। फ्रूट फ्लाई के लिए यूज करें तो फ्रूट फ्लाई किल होगी, ठीक है। अगर किसी बीटल के लिए यूज कर रहे हैं तो बीटल कंट्रोल होगी। अगर हम पिंक बॉलवर्म के लिए कार्टन में यूज कर रहे हैं तो पिंक बॉलवर्म कंट्रोल होगा और कोई इंसेक्ट जो है वो कंट्रोल नहीं होगा। सबसे बड़ा फायदा इसका यह है कि ये टारगेट है। दूसरा है एनवायरमेंटल फ्रेंडली। इन्वायरमेंटल फ्रेंडली ये है कि इससे कोई हम कोई इंसेक्टिसाइड स्प्रे नहीं कर रहे, ट्रैप में थोड़ी बहुत यूज कर रहे हैं ताकि कंटेक्ट हो सके इंसेक्ट को और मार सके। दूसरा हम कोई फील्ड में एज सच कोई इंसेक्टिसाइड यूज नहीं कर रहे, तो उससे भी फायदा ये है, ठीक है, कि जो है ये हमारा इको फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। और दूसरा क्या है कि ये रेजिड्यूज फ्री, कि जब हम स्प्रे करेंगे ही नहीं या इस फेरामोन को हमने किसी क्रॉप पे स्प्रे करना ही नहीं है तो फिर डेफिनेटली इसके नुकसान भी नहीं है, रेजिड्यूज भी नहीं है क्रॉप के अंदर या फ्रूट्स के अंदर आए नहीं। हमने तो सिंपल बोतल में लटका के या डिस्पेंसर में लगा के एप्पल के दरख्त पे, या आपने देखे हैं वो कार्टन में ये अडेप्टिव स्ट्रेच वाले लगाते हैं छोटे छोटे ना, ना वो जो उसका कार्ड है ना, ये जो चार्ट चार्ट के वो हजारों छोटे छोटे वो पीस बना लेते हैं और उनको आपस में ना ऐसे स्टेपल कर देते हैं उसका, यानी कि रिंग बना लेते हैं चूड़ियों की तरह के, और वो एक एक पत्ते में या टींडे में कहीं लटका दें, ठीक है, वो उसको लटका के तो वो जो है वो यूज कर। इसके अलावा सस्टेनेबल है कि हम इसे ये नहीं कि एक सीजन के लिए कर सकते हैं, दो सीजन के लिए, हर सीजन में कर सकते हैं, ठीक है। चौथा यह कॉस्ट इफेक्टिव भी है कि जैसे मैंने बताया ना वो फ्रूट फ्लाई की ना, मैं इस गया था पिछले सितंबर अक्टूबर में, मैंने पता किया था इधर मंडी से ना, तो वो 1,000 की मिलती है 100 ग्राम की बोतल है, तो वो आपके ऑलमोस्ट पूरे सीजन के लिए काफी है कि 1,000 लग भी जाए तो आपके कितने सारे पेस्ट कंट्रोल होंगे। 1 एकड़ में 8 ट्रैप लगाने हैं, 2-4 दफा भी लगाना पड़े, यानी कि हर महीने बाद आपको भी लगाना पड़े तो वो बोतल एक काफी है। उसके बजाय आज एक सिर्फ 1 लीटर स्प्रे ही कर दें, मतलब कहते हैं जी शुरू मैंने अमरूदों पे 1 लीटर स्प्रे करने, तो 1 लीटर ही 1,000 की आ जाती है, ऐसे ही है ना, लीटर स्प्रे 1,000 क्या है, और वो एक ही दफा होनी है, ये नहीं कि रोज होनी है, रोज के लिए फिर और मंगवानी पड़ेगी। तो ये जो है बाकी इसकी इंटीग्रेशन भी आसान है आईपीएम की मैट के साथ। उसमें सबसे पहले जो हमने पीछे पढ़ा था कि इसके दो तीन काम है, सबसे जो बड़ा काम है कि हम इससे मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं। मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं, या पेस्ट स्काउटिंग कर सकते हैं कि हम कहीं भी आप अभी जाएं अमरूद बाग में एक ट्रैप ही लगा दें, चले एक ट्रैप लगा के उसमें फेरामोन डाल के तो आप लटका दें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके बाग के अंदर फ्रूट फ्लाई है या नहीं है। अगर होंगी तो डेफिनेटली मेल भी होंगे, एक ही जीनस तो नहीं होगी ना, या एक ही उसका जेंडर तो नहीं होगा, तो आपको कम से कम ये पता चल सकता है कि मेरे बाग में बहुत ज्यादा ह्यूज इन्फेस्टेशन है। अगर ह्यूज है तो मतलब बोतल भर जाएगी 2 दिनों में, अगर नहीं है तो एक भी नहीं आएगी। अगर दरमियानी सी थोड़ी सी पॉपुलेशन है तो कुछ चंद एक मक्खियां आएंगी, ठीक है। तो ये आपको एक तो ये मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ये और पूरा साल कर सकते हैं। और ये इसमें जो करते हैं ना, हमने उधर पढ़ा था 613 में, आपको याद हो क्वारंटीन में, कि अगर आपने इंसेक्ट को उसको एरेडिकेट करना है, एरेडिकेशन करनी है, तो उसके लिए सबसे इफेक्टिव तरीका ये फेरोमोन ट्रैप। वो कैसे कि अगर तो आपने ट्रैप लगाया हुआ है ना, एक भी कहीं आ गई तो वो ट्रैप में भी लाजमी आएंगी, यानी कि एक दो इंसेक्ट भी फिर रहे हैं ना पूरे, मैं कह रहा हूँ सब कैंपस में फिर रहे हैं, तो एक दो भी फिर रहे हैं तो डेफिनेटली ट्रैप में आएंगे ही आएंगे। तो जब ट्रैप में आएंगे तो फिर जो है डेफिनेटली आपको उसी वक्त अलार्म आपके लिए बजना शुरू हो जाए, लैरी आपके इलाके में एक दो इंसेक्ट ही आ गए हैं, तो मतलब आपने फिर उसको कंट्रोल करने का कोई ना कोई तरीका करना है। अगर बहुत ज्यादा है तो आपको पहले ही पता चल जाएगा, फिर आप जो रेडिकेशन कोई मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं तो वो रेडिकेशन को कंट्रोल करने का ये है कि आप एक खास टाइम के बाद पूरा साल ये फेरामोन ट्रैप यूज करते रहे। ये इन्होंने ना यूएसए के अंदर, तकरीबन मैंने आपको पहले स्टोरी सुनाई भी हुई है कि तकरीबन 1980s में ना हॉर्स फ्लाई का बहुत अटैक आ गया था, वेटरनरी पेस्ट है, और ये हॉर्स फ्लाई जो है वो बाइट करती है और उसकी वजह से वो फिर आगे स्किन में चली जाती है, फिर स्किन में वो ऐसे ना ग्रोड़े जैसे बन जाए और अल्टीमेटली जानवर मर भी जाते हैं, मर जाते हैं। तो फिर उन्होंने ना कुछ अर्से तक ये टेक्निक यूज की, ठीक है, और ये भी यूज की, और स्टीराइल इंसेक्ट टेक्निक भी हमने पढ़ी थी कि वो भी यूज की, कि वो क्या करते थे कि मेल को पकड़ते थे स्टीराइल करते थे और फिर छोड़ देते थे, ठीक है।
उससे जो है वो जो है वो आपस में मेटिंग करते, उससे एग पैदा होते थे, एग से आगे निकलता कुछ नहीं। तो आस्ता आस्ता वो काम होते होते होते, मगर अब भी वो मोनिटर कर रहे हैं। ये नहीं कि आप छोड़ दिए उन्होंने कि लाइव इसको नहीं कहने, तो मोनिटर आप इस तरीके से भी मेल एनिहिलेशन टेक्निक मैट के थ्रू या सिंपल सेक्स फेरामोन यूज करके, या कुछ इंसेक्ट ऐसे जैसे बीटल में वो उनके ना एग्रीगेशन फेरामोन भी है, वो भी यूज कर सकते हैं। और इसका मेन एक ही मकसद होता है कि मेटिंग डिस्ट्रप्शन करनी, कि मेल फीमेल तक ना पहुंच पाए। अगर पहुंचेगा तो डेफिनेटली मेटिंग भी होगी, वो एग भी देंगे। अगर नहीं पहुंच पाएगा, फीमेल अकेली रह जाएगी, तो डेफिनेटली फिर कंट्रोल आसानी से हो जाएगा। दूसरा ये है कि इसके साथ हम कल्चरल प्रैक्टिसेस को भी यूज कर सकते हैं। आपको पता है कि मेरे इधर फील्ड में पॉपुलेशन बढ़ना शुरू हो गई है अभी से ही। तो जैसे गुआवा की हम एक केस स्टडी ले लें, तो केस स्टडी क्या है कि आपको पता है मैंने पहले तो अपने बाग की सफाई करनी है, कुछ जड़ी बूटियां उनको खत्म करूँ, फिर दूसरा काम क्या है सैनिटेशन करूँ। सैनिटेशन क्या है, ये जी ये नीचे जो अमरूद गिर जाते हैं, जो फ्रूट फैक्ट्री उसकी फ्रूट फ्लाई की फैक्ट्रियां हैं, उनको मैं उठाऊँ, ठीक है, फ्रेश फ्रूट गिरे उनको, उसके ऊपर जो है वो आप बेनिफिशियल इंसेक्ट रेयर भी कर सकते हैं। बेनिफिशियल इंसेक्ट रेयर नहीं करने, जानवरों को खिला दें, बकरियों को खिला दें, बड़े शौक से खाती हैं गिरे हुए अमरूद, ठीक है, पके हुए अमरूद जिनके अंदर फ्रूट फ्लाई है, और उसका फायदा ही है। मुर्गियों को दें, मुर्गियां खाएंगी, कोई जानवर नहीं है जो नहीं खाए। हाँ गल गए, आप कह रहे हैं वो ब्राउन हो गए, स्मेल आ रही है, तो फिर आप उनको उठा के जमीन में दबा दें, थोड़ा सा गड्ढा खोद के कहीं भी, हर वीक बाद ये प्रैक्टिस कर लें। तो ये क्या है सैनिटेशन, जब सैनिटेशन करेंगे तो डेफिनेटली उससे ऑटोमेटिकली आपकी पॉपुलेशन कम होती है। और आपको कैसे पता चलेगा कि पॉपुलेशन कम हो रही है या बढ़ रही है, वो ये सेक्स फेरोमोन लगा के ही पता चलेगा। अगर कम हो रहे होगा आस्ता आस्ता आपके हर वीक जो है जो आप उनको क्लियर करेंगे ना बोतलों को, तो आपको आइडिया होगा कि जी पिछले हफ्ते 100 पकड़ी गई थी एक ट्रैप में, इस दफा 80 आ गई, इस दफा 50 आ गई, इस दफा 30 आई, इस दफा 10 आई, तो आपको ऑटोमेटिकली अंदाजा होता जाएगा कि पॉपुलेशन कम होती जा रही है ओवरऑल फील्ड में ना। तीसरा क्या है, बायोलॉजिकल कंट्रोल भी यूज करते हैं, क्योंकि इससे कोई रेजिड्यूज नहीं, कोई इंसेक्टिसाइड यूज नहीं करनी, तो आप इसके साथ नेचुरल एनिमी जैसे ट्रैकोग्रामा, ट्रैसोपला या लेडी बर्ड बीटल जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल उस सूरत में है कि जब आप समझ दें कि जी मैं कुछ ट्रैपिंग भी कर रहा हूँ, और जो है मगर ट्रैपिंग में ये नहीं होगा कि एक ही दिन में यकदम ही सारे आ जाएंगे, आस्ते आस्ते कुछ टाइम लगेगा, तो फिर आपको मगर अर्जेंट कंट्रोल चाहिए कि इससे पहले कि मेरी फसल तबाह हो जाए मैं वेट करता रहूं, तो आप केमिकल यूज कर सकते हैं। मगर उस सूरत में जब बहुत ज्यादा ह्यूज पॉपुलेशन आपने पहले यूज की ही नहीं, फर्स्ट टाइम आपने फेरोमोन यूज किया, आपको आइडिया हुआ कि ये तो लाखों की तादाद में इंसेक्ट है, हजारों की तादाद में इंसेक्ट है, तो ये तो अगर मैं इनको छोड़ता हूँ या वेट करता हूँ कि जी ये मेल एनिहिलेशन के थ्रू कंट्रोल हो, तो तब तक तो क्रॉप ही शायद 2 और 3 हफ्ते 4 हफ्ते गुजर जाए, आपकी बहुत ज्यादा क्रॉप इन्फेस्ट हो जाए, उस सूरत में आप केमिकल भी यूज कर सकते हैं। और लास्ट में कम्युनिटी इंगेजमेंट, कम्युनिटी इंगेजमेंट क्या है कि आप लोगों को एक अवेयरनेस दें। अवेयरनेस क्या है कि ओवरऑल चलो ये नहीं कि आप भी यूज कर रहे हैं, आपके पूरे इलाके में लोगों को एक एजुकेट करें और उनको कहें ये एक अच्छा तरीका है, बजाय कि कोई केमिकल यूज करे, सारे फार्मर पूरे इलाके में एक पूरे गांव में एक पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर यही लोग यूज करें, बजाय कि फ्रूट फ्लाई के लिए कोई लोग कवर स्प्रे कर रहे हैं, कोई लोग स्प्रे कर रहे हैं, तो वो फिर डेफिनेटली रिजल्ट्स नहीं आएंगे, क्योंकि एक इंसेक्ट आपको पता है ये कोई मोबाइल इंसेक्ट है, मूव कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह आसानी के साथ, ठीक है। तो अगर पूरा एक एरिया वाइड एरिया बेस्ड मैनेजमेंट कर रहे हैं फिर तो ज्यादा इफेक्टिव होगी, अगर सिर्फ चंद लोग कर रहे हैं, बकाया लोग स्प्रे कर ही जा रहे हैं, तो फिर ये इतना इफेक्टिव जो है वो नहीं होगा, ठीक है। तो इसको इफेक्टिव बनाने का एक तरीका ये है कि आप इसको जो है वो एक बड़े स्केल पे करें, बड़े स्केल सिंपल, वो बड़े स्केल पे ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा, जब फार्मर को पता चलेगा ये सेक्स फेरोमोन है बड़े आसानी से मार्केट में अवेलेबल है और जो है वो मिल भी जाता है, तो डेफिनेटली हर कोई यूज भी करेगा। और तीसरा ये भी है कि इसका लोगों को ये भी होगा कि नहीं हम पेस्टिसाइड नहीं यूज करने पड़ेगी, ये सेफ तरीका है, पहले ये लोग नहीं यूज करते थे फ्रूट फ्लाई वाले, अब जो है ये पिछले 2-4 साल से ना उसमें मसला आ रहा है,
ये बागों में, सिट्रस में, तकरीबन आपको पता है पहले सर्दी जल्दी आ जाती, दिसंबर ही सर्दी में आती थी। अब जो है नवंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 4 महीने ऐसे हैं, बल्कि समर में होती है मौसमी। तो मौसमी में एक तो ये फ्रूट फ्लाई मौसमी गिरते हैं, पीले हो क्या आपने देखे होंगे, अगर आप मंडी जाए ना तो मंडी में वो बिक भी रहे होते हैं, वो पता करते हैं ये जूस वाले खरीद लेने, वो पीले पीले, ठीक है, उसमें काला लून पा के रेड़ियाँ लाई हुई हैं, छिल के रखे होते हैं, ठीक है, जिसे जाओ लैग वो नहीं नजर आ रहा है कि ये खराब है ये सही है, पर ताजा है, अभी गिरे थे फ्रूट ना, फ्रूट फ्लाई छिल के रखे केड़ा पता लग जाए, ठीक है, और उसको जूस काट काट दे, और उसका टेस्ट चेंज करना है, जो मैंगो है, मैंगो है ना, गले हुए मैंगो लेते हैं, तब ये है कि उन्होंने पल्प निकाल के पहले ही एक देगचा जो भर के रखे होंगे पल्प का, क्योंकि जैसे ही जाने उन्होंने एक चमचा पाना है मैंगो पल्प का, और बीच में थोक के चीनी बर्फ पानी शेक बना देना, कोई पता नहीं लगे, ऐसे जब उन्होंने काला लून पाना तो मौसमी का नहीं पता लगना जूस सही है कि गलत है, ठीक है, तो वो भी करते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप भी कर सकते हैं, मगर ये कि कम्युनिटी को पता होगा तो डेफिनेटली ये एक अच्छा तरीका होगा, ये कुछ इसके मेथड हैं, इनको आप यूज करके तो ये कर सकते हैं, ये एक छोटा सा ही लेक्चर है मेल एनिहिलेशन का, ये पेस्ट मैनेजमेंट का ही एक तरीका जो है वो मौजूद है, इसके अंदर अब कोई क्वेश्चन है तो बता दें, ये हम पहले भी पढ़ गए हैं, 5वीं भी पढ़ा, कि वो जब हमने पढ़े थे कि फेरोमोन कैसे बनाए गए, कब बनाए गए, कितना कितना ओके इस टेक्निक से बनाए गए, और फिर जो है हमने ये 613 में भी उसको पढ़ के आए हैं, कि 613 के अंदर के जो है हमने वो जो ट्राई स्टेट उन्होंने ना पूरी एक रियासत बनाई है ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक्सक्लूजन जोन, ठीक है, उन्होंने क्या किया वहां पे जो है इंसेक्ट को एरेडिकेट किया, अब वो ट्राई स्टेट के अंदर कर क्या रहे हैं, वो फ्रूट रेयर कर रहे हैं, वहां पे फ्रूट पा रहे हैं, अपनी फ्रूट से क्या कर रहे हैं कि वो फ्रूट फिर वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का प्रोड्यूस करते हैं, और प्रोड्यूस करके वो पूरी दुनिया को सेल करते हैं, तो हम भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे हमारे कुछ एरिया ऐसे हैं जो कि नेचुरली वहां पे इंसेक्ट नहीं है, जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे चले जाए तो फ्रूट फ्लाई आपको नहीं मिलेगी, तो हम कई सारी क्रॉप जैसे मैंगो है, आप कहें जी मैंगो भी हाई एल्टीट्यूड पे, हाँ आजाद कश्मीर में जाए, अभी से साढ़े नौ अवार्ड लगे हैं कल परसों हलाले इम्तिहाज, ठीक है, तो ये ही तो आपने सुना है उसके कि 10 मैंगो की स्पीशी उन्होंने दरियाफ्त की, दरियाफ्त क्या की है उधर कुछ भी नहीं है, इनको एक प्रोजेक्ट मिला था, प्रोजेक्ट में वीसी साहब ने किया भी नहीं, फिर नाम था वीसी साहब का, तो उन्होंने क्या किया आजाद कश्मीर में बेचारे हार्टिकल्चर वाले पीपी वाले नास नास के, उन्होंने क्या किया कि जो मैंगो की उधर स्पीशी थी ना उनको आइडेंटिफाई किया, बस ये जी कड़े कड़े मैंगो की कौन कौन सी स्पीशी है जिनको नाम नहीं था, लोग हमें लोकली नाम दे के लोग यूज करी जाए उनको कोई नाम दे दिया, दैट्स द न्यू स्पीशी, उन्होंने ठीक सारे है, क्वालिटी मैंगो वाली है बताई। दे, हमारी पंजाब वाली तो सबको पता था ना, ठीक है, जिन्होंने सिट्रस ही है सिट्रस से इधर ऑरेंजेस जो है हमारे तो सारे मैंडरन ग्रो हो रहे हैं ना पंजाब में, ये आप इधर खानपुर चले जाएं, ये क्या नाम है इस्लामाबाद से आगे जो है हसन अब्दाल के साथ, तो वो सारा उधर ना ऑरेंजेस जो है वो होते हैं, ऑरेंजेस हमारे पूरे पायदल पंजाब में नहीं मिलता, ठीक है, वो रेड ब्लड और वो जो है तो वो जो है सारे ऑरेंजेस हैं, अब वो ऑरेंजेस ये हैं कि किस्मत से पहले बात कई सारी दुनिया पे वो पहले से ही ना वो है मौजूद है, तो इसलिए उनको कोई नया नाम नहीं दिया जा सकता, तो अब वो तो कई सारी स्पीशी थी उन्होंने देखा है, कई सारे लोकल मैंगो था और मैंगो के भी कई सारी नस्लें थी उनको उन्होंने मुख्तलिफ नाम दिए, दैट बिकम अ न्यू वैरायटी, ठीक है, उन्होंने वो तो ना देखो ना 360 देते हैं, और हर मेरा डेंटिस्ट है शिवाज शरीफ जी, कुछ भी नहीं क्राइटेरिया कुछ नहीं है, जो किसी जिन बंदे ने मेहनत की और किसी ने लगे वो ही लगे जड़े उन्होंने वो कह लोगे यार दोस्ती या जिसे पोस्ट पढ़ते सच तो मैंने जिधर बच्चे भी चाहिए थी ना जिधर पीछे लिफ्ट दे में बच्चे फंस गए वो नहीं दिखता लगे और रियल ही रसिका हाँ ये लोग वाकई वो आर्मी वाले लगे रहे उनको लोग काट नहीं हुआ दोनों ने वो ये ऐसे जो बड़े ऐसे लोगों को ना जिसने कोई कारनामा किया हो ना काय मैंने चाहे तो बिना वजह जिंदा रहने को दे दिया किसी का तो जिंदा रह गया वो तो खास बंदा है ना यार,
अच्छा ये है, तो इसको अब ये कि इनको ना आप सासर कर दे। मैं आज तो यही सोचे मैं कि हूँ बंदे तो कोई नहीं आते, का अनुमान भी आया लेक्चर शुरू हो गया से, मैं क्या नहीं थे आज मैं रिकॉर्ड करके सेंड करी आने। तो इसको है कि आप आए अगले वीक खैर होंगे ही ऑनलाइन, तो अब ईद के बाद भी मैंने यही काम करना, जैसे ना आए ना तो नहीं मैं सर, रिकॉर्ड करके पे। यूट्यूब चैनल तो मेरा यूट्यूब चैनल बने हुआ है जनाब, ये तो मैं ना सिर्फ रिकॉर्ड ही, तो रिकॉर्ड तो नहीं पर किया मैंने, तो इसको रिकॉर्ड करके आपको भी इसमें इसमें कन्वर्ट करने, कन्वर्ट करके आपको मैंने यूट्यूब पर डाल के भेज देना, ठीक है। तो वो तो फायदा होता है, हमें भी जैसे आप कई सारे 6वें वाले बने हुए तो अगले अच्छे जैसे हैं वो ही पुराने लेक्चर देने जो दौर दे बने हुए, ठीक है। तो मगर ये कि आप आए तो इसको अब ये कि आजकल सा करें वो साथ साथ करते जाए ना, अब फाइनल जितने टॉपिक हैं रहने देना सारे पढ़ने, छड़ना नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको करें। वो उसका मैंने कहा था LC50 LD50 वाले, तो डॉक्टर साहब कहते थे मेरे कोर्स के है गए, पासवर्ड तो कहते थे मैं उन्होंने उठे ही करवा देने लोग ना, देखो तो मैं छोरी के पढ़ाया सी, ते मैंने कहा तुसी काइंडली थोड़ी हेल्प आउट कर दियो, मैं तो कहते थे उससे दिन ही करवा दियो ना, तो कहते थे नहीं मेरे वाले कोर्स है गए मैं उन्होंने करवा देने उधर ही, मगर वो समझे उसे ही लाजमी ना, क्योंकि वो अगर जिसने ये लैब एक्सपेरिमेंट खासकर अभी आपने ना करने तो हैं कार्टन पे भी करने हैं, तो ये है कि कुछ लैब की भी लगा लें, कुछ फील्ड के एक्सपेरिमेंटों को, एक आधा एक्सपेरिमेंट नहीं कम से कम 3-4 एक्सपेरिमेंट हो ना, कल को आपका पेपर शेपर अच्छा बन जाता है, ठीक है। कल वो एक ही दो ग्राफ हो तो एक दो फिर वो पेपर नहीं छपता अच्छे जर्नल से, अच्छे जर्नल के लिए होता है कि कम से कम 2-3-4 एक्सपेरिमेंट हो, फिर ये कि वो एक्सपेरिमेंट में मुख्तलिफ किस्म का डेटा ग्राफ टेबल शेबल होंगे, फिर रंगबाजी वाह हो ना, मतलब तो वो रंगबाजी तभी बनती है जब एक्सपेरिमेंट आपके ना डाइवर्सिफाई है, ठीक है। तो फिर ये वो हो जाता है उससे ना आपका पेपर शेपर अच्छे बन जाते हैं, तो उसी से होता है। तो ये इनके भी हैं दो दो तीन तीन एक्सपेरिमेंट पाए होते हैं, ठीक है। जो पीपीआ लेना अक्सर साढ़े को आते हैं और सिनॉप्सिस, इनको यार एक कॉपी भेज दो, कोई है तो कोई अपने भेज दे। ठीक हाँ नहीं, कोर्स वर्क नहीं सिनॉप्सिस दी ना, अगले सेमेस्टर तो पहले पहले बनवाना है, इनको ना भेज दो, चाहे 18 में भेज दो कोई अपना या किसी का भेज, बल्कि अपना भेज दो, 13 दिन सेट क्यों होने ना, जी अपना भेज दो, क्योंकि इनको इससे वो आप देखते ना सिनॉप्सिस जो है डाल दो बढ़िया है, इधर तो थोड़ा जो डिजीज भी बिचानी है, तो डिजीज से नहीं पानी है, तो अपना तो सही ना बनाओ। नहीं एंड नहीं एंड नोट तो हमें भेजे थे सीगा पिछले सेमेस्टर से याद, वो जेड़ा है ना मेरे को नहीं है, वो असल है गए मुंडा है क्या गए थे लड़का मुदस्सर है ना, वो बीजी हो चे ना, वो रिजवान दे को जानने वाला सीगा, उन्होंने रिक्वेस्ट करनी पैंती है, फिर वो